brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगले साल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में वहां पनप रहे खालिस्तानियों के समर्थन के लिए जस्टिन ट्रूडो सरकार हर वो कदम उठा रही जिससे वो चुनाव जीत सके। पहले निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो सरकार भारत से भिड़ी और फिर चुनाव में दखल अंदाजी को लेकर CSIS की रिपोर्ट के बाद दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़ा। लेकिन अब ट्रूडो सरकार की पोल खुल चुकी है। भारत पर आरोप लगाने वाली ट्रूडो सरकार खुद चुनाव चीन की मदद से जीतती आई है। CSIS की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसी का कहना है कि चीन ने कनाडा में दो आम चुनावों में गुपचुप तरीके से हस्तक्षेप किया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS का कहना है कि चीन के संदिग्ध दखल के ठोस सबूत भी मिले हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की जाँच रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 और 21 के आम चुनावों में चीन ने दखल दी है। इन चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को जीत मिली थी। कनाडा के चुनावों में चीन की भूमिका को लेकर विपक्ष की नाराजगी के बाद ट्रूडो ने विदेशी दखल को लेकर एक कमीशन का गठन किया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने साल 2019 और 21 में कनाडा के आम चुनावों में हस्तक्षेप किया था। इन दोनों मामलों में विदेश दखल के ठोस सबूत मिले हैं। इन चुनावों में चीन समर्थित या चीन समर्थित हितधारकों का समर्थन किया गया। इस संबंध में PM जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस को भी जानकारी दी गई है। हालांकि चीन ने कनाडा की राजनीति में दखल के आरोपों से इनकार किया है। कनाडा में 2021 में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रचार की अगुवाई कर रहे एरिन ओटुली ने चुनाव में चीन के दखल का अंदेशा जताया था। उन्होंने कहा था कि चीनी हस्तक्षेप से उनकी पार्टी को 9 सीटों का नुकसान हुआ था। इंटेलिजेंस विश्लेषकों और कंजर्वेटिव पार्टी का कहना है कि ट्रूडो सरकार ने चीनी दखल से निपटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। इस कमीशन के समक्ष ट्रूडो को पेश होना है। बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी आमतौर पर लिबरल पार्टी की तुलना में चीन को लेकर अधिक सख्त है। कंजर्वेटिव पार्टी ने 2021 के चुनाव में सार्वजनिक तौर पर चीन की आलोचना की थी। चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर चीन को आईना दिखाया गया था। बता दें कि चीनी दूतावास ने अभी तक CSIS की इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कनाडा में चीनी मूल के लगभग 17 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आपको बता दें CSIS की इस रिपोर्ट को लेकर ज्यादा बवाल इसलिए नहीं मच रहा क्योंकि कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने फरवरी महीने में भारत पर बेहद संगीन आरोप लगाया था। भारत पर कनाडा के चुनाव में संभावित दखल अंदाजी का आरोप लगाया गया था। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि देश में 2019 और 21 में हुए चुनावों में भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे देशों ने हस्तक्षेप किया था। CSIS के दस्तावेजों में आरोप लगाया गया था कि 2021 के चुनाव में भारत सरकार ने कनाडा में एक भारतीय सरकारी एजेंट के जरिए हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। CSIS के दस्तावेज में ये भी कहा गया था कि भारत सरकार ने ऐसे चुनावी जिलों को निशाना बनाया जहां आबादी कम थी क्योंकि भारत की धारणा थी कि भारतीय मूल के कनाडाई मतदाताओं का एक हिस्सा खालिस्तानी आंदोलन या पाकिस्तान समर्थक राजनीतिक रुख के प्रति सहानुभूति रखता है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताकर इन आरोपों को निराधार बताया था। आपको बता दें कनाडा और भारत के बीच राजनयिक तनाव पिछले साल से ही जारी है। पिछले साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की भूमिका की बात कही थी जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। मगर अब जिस तरीके से कनाडा ने चुनाव मामले में चीन को घसीटा है ये एक नया विवाद पैदा होता दिख रहा है। देखना तो अब ये होगा कि चीन इसका पलटवार कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।